हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और इस चैनल पर हम वेट लॉस टिप्स, डाइट प्लान्स और भी बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। 90% केसेस में देखा गया है कि ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप वेट लॉस कर लो तो ये सभी के सभी रिवर्स हो जाते हैं। और मेन चीज अब क्या है, वेट लॉस। और उस वेट लॉस को अचीव करने का एक ही सस्टेनेबल वे है, वो है डाइट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पूरे दिन का डिटॉक्स डाइट प्लान। बट आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं कि कैसे फॉलो करना है, मैं अपना खुद का एक दिन का डाइट आपको दिखाऊंगी। ये डाइट प्लान शुरू करने से पहले हम अभी वेट चेक करेंगे एंड फिर पूरे दिन का डाइट प्लान फॉलो करेंगे। देन अगेन कल मॉर्निंग में हम वेट चेक करेंगे एंड लाइव हम देखेंगे कि कितना वेट लॉस हुआ है इस डाइट प्लान से। आप भी इस डाइट प्लान को जरूर फॉलो कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पूरे दिन का प्लान। सबसे पहले मैं अपने डे की स्टार्ट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। और आजकल विंटर्स हैं तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में मैं कंज्यूम कर रही हूँ टर्मरिक वाटर। इसे कैसे बनाना है चलिए मेरी किचन में देखते हैं। टर्मरिक वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप वाटर लिया है। इसमें मैंने 1 इंच ग्रेटेड टर्मरिक लिया है। मैं यहाँ पर कच्ची हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने 1 चुटकी भर काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर ऐड किया है। बेसिकली टर्मरिक का कर्क्यूमिन तभी एक्टिवेट होगा जब आप उसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छे से बॉईल करके आप इसे स्ट्रेन करके कंज्यूम कर सकते हैं। ऑलवेज बिलीव कि हमें अपने डे की स्टार्ट हेल्दी फैट से करनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कोकोनट स्लाइस को ऐड किया है। और जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपने डाइट से फैट्स को रिमूव कर देते हैं सो दैट उन्हें लगता है कि इससे बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। पर कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है तो फैट्स को रिमूव करने की नहीं बल्कि हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। एंड कोकोनट एक बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। और अगर आप कोकोनट स्लाइस नहीं ले सकते तो आप अपनी टर्मरिक टी में 1 टीस्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हैं हेल्दी फैट्स के लिए। अब बारी है हमारे दिन की पहली मील की जो कि हमारा ब्रेकफास्ट है। तो ये एक डिटॉक्स प्लान है। तो इस प्लान में जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है वो है पनीर। तो ब्रेकफास्ट में हम इंक्लूड करेंगे पनीर भुजी, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम्स ऑफ पनीर का यूज किया विद एबीसी जूस। बारी है मिग मील की। एंड इफ यू वांट कि मैं ऐसे ही डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर करती रहूं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज मिग मील में मैं कंज्यूम कर रही हूं एक एप्पल। आप कोई भी सीजनल लोकल फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। तो मिग मील के बाद अब बारी है लंच की। और मैं अपने एक दिन की मील, कोई भी टाइम की मील, नीचे एक टाइम पर बैठकर खाना प्रेफर करती हूँ। बेसिकली जब हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो ये हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करता है और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अब आज का हमारा डिटॉक्स डाइट का जो मेन इंग्रेडिएंट था वो पनीर था। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करी अपने लंच में 1 से 2 पनीर पराठा एज पर योर एप डाइट। आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। इसके साथ मैं यहां पर ग्रीन चटनी और कर्ड इंक्लूड कर रही हूं। कर्ड में मैंने क्या ऐड किया है, इफ यू वांट टू नो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो अब बारी है इवनिंग मील की और इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ 1 कप ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बहुत अच्छा फैट कटर ड्रिंक है। तो बेसिकली ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन टी को बनाने का राइट वे क्या है, जब भी आप ग्रीन टी को बनाएं तो कभी भी ग्रीन टी को बॉयल मत करें। ग्रीन टी को हमेशा हॉट वाटर में इन्फ्यूज करके रखना होता है फॉर 5 to 10 मिनट्स। और कौन सी ग्रीन टी यूज करनी चाहिए, टी लीव्स या फिर टी बैग्स? तो हमेशा जो ओपन टी लीव्स होते हैं ग्रीन टी के, सिर्फ वही यूज करें, टी बैग कभी भी यूज मत करें। और यहां पर ग्रीन टी के साथ मैं ले रही हूं 1 टीस्पून ऑफ सीड्स। आप चाहो तो आप मखाना भी ले सकते हो या आप कोई घर पे आपने नमकीन बनाई हुई है लाइक ओट्स चिवड़ा या पोहा चिवड़ा, तो आप इसके साथ 30 ग्राम ऑफ दैट नमकीन भी ले सकते हो। तो अब बारी है डिनर की और हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पनीर। तो डिनर में मैंने इंक्लूड करा है पनीर विद सॉटेड वेजेस। यहां पर मैंने बहुत सी वेजेस जैसे कि कैप्सिकम, बेल पेपर्स, कॉर्न्स, ब्रोकली, अनियंस ये सब ऐड किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेजी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बारी है पोस्ट डिनर की। इसमें मैं इंक्लूड करती हूँ कैमोमाइल टी। आप चाहो तो आप फेनल टी भी ले सकते हो। इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ को पानी में बॉईल करके कंज्यूम कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप हल्दी वाला दूध भी कंज्यूम कर सकते हो।
सो गुड मॉर्निंग, और अभी देखते हैं अभी का वेग है 62.8। सो आई जस्ट चेक माई वेग, इट वॉज 62.8। टोटल 1.2 केजीज डाउन गया है इन वन डे। आप भी ये डाइट प्लान फॉलो कर अपना वेग इजिली लॉस कर सकते हैं। ये एक डिटॉक्स प्लान था, तो आप इसे वीक में वंस या फिर ट्वाइस आप इसे कर सकते हैं फॉलो। बट इफ यू वॉन्ट कि मैं रेगुलर डेज के लिए भी आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।